जय श्री कृष्णा स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताइएगा हमारी हथेली की ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ना मेरी जान इसके नीचे यहाँ पर ये वाला जो पर्वत होता है इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है इस चंद्र पर्वत को देख के कोई भी अच्छा हस्त विशेषज्ञ आपको ये बता सकता है कि आपके मन में क्या चलता होगा आप कितने इमोशनल हैं कितने परसेंट आप दिल से काम लेते हैं और कितने परसेंट आप अपने दिमाग का यूज करते हैं इस चीज को देखकर कोई भी आपको ये बता सकता है कि आपके जीवन के अंदर आपसे जुड़े व्यक्तियों से आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं या वो आपसे ज्यादा जुड़े रहते हैं हमारे हाथ से हमारी कुंडली से हमारी बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों का हम पता कर सकते हैं पर शर्त यह है कि बताने वाले को उस चीज़ का ज्ञान पूर्णतः होना चाहिए अगर आपकी इस जगह के ऊपर बहुत सारी ऐसी रेखाएँ हैं मतलब ऐसे सीधी सीधी रेखाएँ हैं तो आपको बार बार लोगों के द्वारा कष्ट बहुत पहुंचता है एक एज पे जाकर एक आयु पे जाकर आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं आप जिसके लिए भी जो करते जाते हैं ना वो व्यक्ति आपके जीवन से पीछे की तरफ छूटता जाता है ठीक इसी प्रकार जब हम आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए आपके चंद्रमा का संशोधन करते हैं जब हम आपके चंद्रमा की डिग्री को देखते हैं उसके नक्षत्र को देखते हैं उसका अन्य ग्रहों के साथ संबंध देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आप कितने ज्यादा भावुक हैं आप कितना ज्यादा लोगों से प्रेम करते हैं पर लोग आपसे वो प्रेम कर ही नहीं पाते आपने जिसे सच्चे मन से अपना माना या आप जिसके लिए आप सच्चा समर्पण दे रहे हैं आप जिनके लिए अच्छा सोच रहे हैं वही लोग आपके लिए कितना कष्ट का कारण बनते जा रहे हैं आप जब जब भी किसी के साथ रिलेशन में आते हैं या आपका जब जब भी किसी के साथ संबंध होता है तब वो व्यक्ति आपको किसी ना किसी तरीके से धोखा देकर या झूठ बोलकर या आपको छोड़कर चला जाता है आपको दुखी देता है आपको सिर्फ़ रोना ही पड़ता है एक लंबा समय किसी के साथ गुजारने के बाद ज़िंदगी में हमें यह एहसास होता है कि हम तो गलती करते आ रहे थे इतने साल हम पागल बने रहे थे कोई छोड़कर चला भी गया हमसे दूर भी हो गया लेकिन हम उससे दूर नहीं हो पा रहे क्यों क्योंकि हमारा चंद्रमा हमें इस तरह से कठोर नहीं होने दे रहा हमारे दिल को मजबूत नहीं होने दे रहा हमें हमारे जज्बातों से लड़ने की ताकत नहीं दे रहा ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में रोते रहते हैं और अपने कार्य से हमेशा विमुख हो जाते हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों की समस्याओं को हटाने के लिए कोई रूट कर आपसे चला गया हो उसका समाधान करने के लिए मैं आपके सामने कुछ नया कुछ अलग रोज लाने की कोशिश करती हूँ हैं मैं कौन हूँ नहीं जानते नहीं पता चलो बता देते हैं मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ शास्त्री हूँ चेहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की रेखाएं भी पढ़ लेती हूँ लेकिन चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी सोमवार को करने वाले तीन ऐसे अचूक उपाय जिनको करने से आपके जीवन में सुख भी आएगा शांति भी आएगी समृद्धि भी आएगी और आपका खोया हुआ प्यार भी आएगा कोई रूट कर भी चला गया हो वो 99.9% परसेंट आपके पास लॉट कराएगा ये गारंटी बोल रही हूं तो चले आरंभ करें प्रारंभ करें और आपको बताएं कि करना क्या है आपको अच्छे वर की कामना के लिए हर लड़की सोलह सोमवार के व्रत करती है कहीं ना कहीं उसके मन में ये अभिलाषा होती है कि मुझे भी मेरा वर भोलेनाथ जैसा मिले आपको भी होगी अच्छा है होना भी चाहिए तो आज भोलेनाथ के वार के दिन यानी कि सोमवार के दिन आप कुछ ऐसा भी करेंगी कि आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन उससे पहले ये दो उपाय उन बच्चों के लिए जो अपने जीवन में प्यार के अलावा भी कुछ और चाहते हैं सक्सेस चाहते हैं जॉब चाहते हैं सेटल्ड होना चाहते हैं विदेश जाना चाहते हैं अच्छी कमाई करना चाहते हैं पॉपुलैरिटी चाहते हैं समाज सेवा करना चाहते हैं माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं आपको प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा सफ़ेद चंदन डाल के शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करना है अर्पित करने के पश्चात आपको वहाँ पर एक घी का दीपक प्रचलित करना है और वहीं पर बैठकर आपको 108 बार भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है लगातार 11 सोमवार अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। सोमवार के दिन अगर आप अपने हाथ से भोलेनाथ के मंदिर में जाकर इत्र मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके मन की अभिलाषाएं पूरी होती हैं आपको जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त होती है आपके जीवन की सारी की सारी इच्छाएं जल्द शीघ्र पूर्ण होने का आपको भोलेनाथ से आशीर्वाद मिलता है और वैसे भी कहते हैं ना कि भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं उनके भक्त उन्हें सिर्फ एक बार सच्चे हृदय से पुकारें तो वो स्वयं खुद चले आते हैं किसी सेवक किसी दूत को नहीं भेजते स्वयं चले आते हैं कि बोलो क्या चाहिए अच्छा ये तथास्तु उनके इस तथास्तु से हमारे हरि बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो तथास्तु कर देते हैं फिर हमारे ठाकुर जी को जाना पड़ता है सही और गलत के बीच के युद्ध को निपटाने के लिए खैर ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और बहुत गहराई की बातें हैं पर आप सच्चे मन से कुछ मांगिएगा तो आपको जरूर मिलेगा जरूर करिए ये छोटे छोटे उपाय जीवन में इससे बदलाव आए मुझे जरूर बताया कीजिए जब भी कुंडली के अंदर आपके चंद्रमा किसी ना किसी तरीके से आपको पीड़ा देगा ना आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी दुख देना है ना कष्ट देना है ना इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो आप प्रसन्न हो जाओगे तो फिर चंद्रमा का काम कैसे होगा भाई तो चंद्रमा जब जब पीड़ा देने पर आते हैं जब जब कहीं ना कहीं वो अपने आप में पीड़ित होते हैं तो वो आपकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होने देंगे लॉजिस्टिक बात है ना समझ में आई मेरी बात चलो ठीक है अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी तो आप हमेशा दुखी रहोगे अगर आपका प्यार नहीं मिलेगा तो आपको दुख मिलेगा तो चंद्रमा को बली करने के लिए चांदी के पात्र में भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए लगातार ये कार्य आपको तीन महीने तक करना है और फिर देखिए आपके चंद्रमा में कैसे मजबूती आती है और आपका चंद्रमा आपके लिए कैसे अच्छे काम करना चालू कर देता है आज का उपाय जिससे आपका प्यार कहीं भी हो कितना भी रूट कर बैठा हो ज़रूर आपके पास लौट के आएगा ये मेरा दावा है क्या करना है आपको सोमवार के दिन सुबह आपको स्वच्छता के साथ स्नान कर लेना है जल के अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी डालकर स्नान कर लेना है तत्पश्चात साफ सुथरे कपड़े पहनिएगा और लाइट कलर के कपड़े पहनिएगा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सोमवार का पूजन करें कपड़ों का कलर लाइट रखिएगा डार्क मत रखिएगा भोलेनाथ का पूजन करते वक्त अगर आपने डार्क कपड़ों से उनका पूजन किया रंग आपका चटकीला हुआ तो आपकी पूजा कहीं ना कहीं खंडित है तो आपको हल्के रंग का वस्त्र पहनकर भोलेनाथ का पूजन कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको एक लोटे के अंदर कोई भी लोटा होगा चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए स्टील का ले लीजिए किसी भी चीज़ का एक लोटे के अंदर कच्चा दूध डाल देना है इस कच्चे दूध के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए चाकू से क्रॉस कर देना है उसके बाद आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और आपको ये लोटा पान के पत्ते को उसके ऊपर रखकर ले जाना है बरगद के पेड़ के पास अगर बरगद का पेड़ ना हो तो ये कार्य आप चौराहे पर भी कर सकते हैं अगर आप चौराहे पे ना कर पाए तो आप किसी नदी पर भी ये कार्य कर सकते हैं आपको मैंने आज तीन ऑप्शंस दिए हैं अब ये मत कहिएगा बरगद का पेड़ नहीं था माँ क्या करें चौराहे पे चले जाओ चौराहे नहीं कर सकते कोई बात नहीं किसी नदी के पास चले जाओ तीनों नहीं कर सकते तो चुप करके घर में बैठ जाओ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास चौथा ऑप्शन नहीं है वहां जाके क्या करना है आपको ये पान का पत्ता नीचे रख देना है अगर बरगद के पेड़ पे कर रहे हो बेटा तो पहले पत्ते को वहां रख दीजिएगा अगर आप चौराहे पे कर रहे हो तो पत्ते को वहां रख दीजिएगा और नदी किनारे कर रहे हो तो वहां पर भी आप पहले पत्ते को नीचे रख दीजिएगा किनारे पे उसके बाद दोनों हाथों के बीच में लोटा इस तरह पकड़िएगा इसी मुद्रा में पकड़िएगा और धीरे धीरे करके एक एक बूंद आप उसके ऊपर वो जो कच्चा दूध आप लेकर गए हो चढ़ाते जाइए और अपने मन की इच्छा को बोलते जाइए जो भी उनका नाम है कि वो मेरे पास लौट आए उसके मन में मेरे लिए प्यार जागृत हो जाए वो रूठा है वो मान जाए वो अपने आप आकर मुझसे अपने प्यार का इजहार करे वो जीवन भर मेरे साथ रहे जो एक मनोकामना है ना एक काम करना पहले एक पेपर पे पूरी की पूरी मनोकामना लिख लेना ताकि आप याद रख सको और आप उसको सामने किसी को पकड़ा देना किसी को बोल देना भैया पकड़ के खड़े हो जाओ मैं डालती जाऊँगी और पढ़ पढ़ के बोलती जाऊँगी या आप उसको रट के जाना कि मुझे ये ये चीज़ मांगनी है क्या करते हो चार चीज़ें बोलाते हो दो चीज़ें बोल के नहीं आते फिर कहते हो माँ ये काम हुआ नहीं तो अच्छे से अपनी मनोकामना बार 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 पूरी तरह कंठस्थ याद कर लेना और चढ़ाते चढ़ाते बोल के आना अब वो जो पत्ता है ना उसको आपको फोल्ड कर देना है फोल्ड करके उसको आपको बहते हुए अगर आप जल के पास कर रहे हो तो बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे कर रहे हो तो आप वहाँ पर ही उसको उठा के थोड़ा सा आगे रखकर समर्पित कर देना अगर आपने ये कार्य चौराहे पे किया है तो वहां से भी जहां आपने किया है वहां से उठाकर दो कदम आगे रख देना बस इतना सा कार्य करना चुपचाप घर आ जाना घर आके आप भोलेनाथ का स्मरण करना शाम को शिव मंदिर जाना वहाँ पे जाकर हाथ जोड़ना भोलेनाथ से अपने जीवन की मनोकामना पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद मांगना सफेद रंग की मिठाइयाँ गरीब व्यक्तियों को बांटाना और चुपचाप आके सुख शांति से अपने घर में खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर देना आपका चंद्रमा आपका प्यार आपके हाथ में देकर जाएगा रूठा हुआ व्यक्ति फिर आपको मना नहीं आएगा आपको अपने जीवन के हर कष्टों का समाधान मिल जाएगा बस आज के लिए इतना ही फिर आऊँगी ना कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्भुत लेके लेकिन अगर आपका सूर्य राहु केतु या आपके जीवन का चंद्रमा आपको कर रहा हो परेशान कोई आपको छोड़कर चला गया हो या कोई आपको नहीं दे रहा हो कमिटमेंट किसी का आपके साथ जीवन भर का साथ नहीं बन पा रहा हो तो क्यों है परेशान आप उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए मैसेज कीजिए व्हाट्सअप कीजिए और हमारे साथ संपर्क करिए अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान पाइए और हम फिर आते हैं तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए रिश्तों में मजबूती बना के रखिए है। अपने शार्थी के साथ यही जुड़े रहिए प्यार देते रहिए प्यार लेते रहिए ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी तब तक के लिए राधे कृष्ण सार्थी त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी एच पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी मातृशिला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है